ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा हमको, लाइक मैंने दूसरे ब्लॉग्स में भी देखा था दूसरे, एंड ये देखो जादू भाई नहीं हो रहा। वाह वाह वाह। तो आज है 5 तारीख एंड आज मैं जाने वाला हूँ इंडिया का पहला एप्पल स्टोर। ये तो बहुत पहले ही खुल गया था जब मैं गांव में था, लेकिन जाना तो बहुत पहले ही था, लेकिन मैं मुंबई में था तो आज फाइनली जा रहे अर्नावर में और मैं एप्पल स्टोर जो कि BKC में है। जो भी डिटेल आगे व्लॉग में बताऊंगा, बस व्लॉग एंड तक देखना। BKC तो जा रही है, लेकिन उससे पहले अर्नव आया है। हम लोग है ना एक रील शूट करने वाले जो कि ट्रेंड पे चल रही है, वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करो और क्या बोलते हैं आईडी मेंशन कर देना। हाँ भाई, ये अपना फेमस स्पॉट चिमनी वाला जहाँ पर रील शूट किया है, 2-4 टेक लिए है, बट वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, मतलब परफेक्ट वाली। तो अभी जा रहे हैं हम लोग चेमू स्टेशन साइड। इससे पहले मैंने यहाँ पे एक रील शूट किया था, तुझे देखा मैंने तो। और एक दूसरे लोकेशन में ट्राई करते हैं, अगर वहाँ पर अच्छा है तो वो वाला अपलोड करेंगे या फिर यहाँ का अपलोड कर देंगे। फाइनली रील शूट किया, आई थिंक 15 से 20 टेक तो लिया रहेगा हम लोग ने यार। लेकिन यार वो रील मजा आएगा देखने में। इंस्टाग्राम पे जाओ, आईडी दिया है दोनों की, लाइक करो रील को और फॉलो करो। लेकिन रील बनाने में मेहनत लगती है भाई, आज मालूम पड़ा। ऐसा फालतू रील बनाने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन भी बहुत सारे टेक लेते हैं, बट उनको क्या एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो उनको ज़्यादा टेक्स लेने की जरूरत है। हम लोग चाहे तो नॉर्मली डाल सकते थे, लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा परफेक्शन ढूंढ रहे थे एंड वो मिल गया। फाइनली रील अपलोड किया एंड धड़ाधड़ मैसेज आना चालू हो गए। देखो रिस्पॉन्स अच्छा मिला क्योंकि रील अच्छा था भाई। एंड अब फाइनली निकल रहे हैं हम लोग BKC के लिए। देखो रास्ता, अरे अपना जियो ड्राइव में है, जियो ड्राइव अपने को आएगा। पहले कलानगर जाना पड़ेगा, फिर गए थे ना यार उधर जियो ड्राइव। जियो ड्राइव उसमें ही है वो, तो जियो ड्राइव हम लोग BKC ब्रिज से जाते थे कनेक्टर से, वहाँ से टू व्हीलर। लेकिन टू व्हीलर अलाउड नहीं यहाँ पर। पहुंच गए BKC। BKC मॉल में लोकेटेड है अपना एप्पल स्टोर। अभी अंडरग्राउंड पार्किंग में हम लोग पार्क यहाँ पर एक्टिवा कर दिया, जा रहे ऊपर मॉल की तरफ। सामने जब आते तब एप्पल का लोगो दिख जाता है बहुत बड़ा। अब जाके देखते हैं एप्पल स्टोर कैसा है। ऐसे तो मैंने एक दो वीडियोस में देख लिया, बट रियल में एक्सपीरियंस होता है। अरे अपने चैम्बूर से भी बहुत बाजू में। इंडिया का फर्स्ट एप्पल स्टोर इज विद इन 3 किलोमीटर ऑफ अवर तो अभी पहले हम लोग मॉल के अंदर थे, हम लोग वापस बाहर है क्योंकि हम लोग को मेन एंट्रेंस से एंट्रेंस करना था, क्योंकि एज यूजुअल भाई व्लॉग बनाना है। तो हम लोग को यहाँ से पीछे से भी एंट्रेंस मिल रही थी, बट हम लोग पूरा घूम के हैं बाहर से वीडियो बनाने के लिए। लाइक द एप्पल स्टोर इज कनेक्टेड विद द मॉल, आप अंदर से भी जा सकते हो, बट अगर आपको फील लेना है वो बाहर से आओ। पहुँच गए फाइनली एप्पल स्टोर, मेरे पीछे ही है। इतना बड़ा एप्पल का लोगो दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे यूट्यूब व्लॉग्स में भी आप लोग ने देखा रहेगा। जाते अंदर, लेकिन सबसे पहला यहाँ से लेंगे थंबनेल फोटो। यहाँ बैठने के लिए देखो बाहर कितना मस्त सिटिंग एरिया बनाया है, लेकिन कोई बैठ रहा नहीं है क्योंकि सब अंदर ही बैठे हैं। एंड और एक चीज़, इसका जो ग्लास है देखो कितना बड़ा है, ये व्लॉग में समझेगा नहीं, रियल लाइफ में आके देखो कितना बड़े बड़े ग्लास लगाए हैं यहाँ पर। पहुँच गए हम लोग अभी फ़िलहाल अंदर एप्पल स्टोर में। अब एप्पल स्टोर में आए हैं तो सब एप्पल के प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पर। सयन को लाना चाहिए था, वो और एक 14 प्रो ले लेता इस बार। ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा हमको, लाइक मैंने दूसरे व्लॉग्स में भी देखा था दूसरे, एंड ये देखो जादू भाई नहीं हो रहा। वाह वाह वाह। इसको वापस से करेगा तो बंद भी हो जाता है। पूरी स्क्रीन है यार इनका, इसका कॉस्ट है बोलते 3 करोड़ रुपए। एंड इवेंट्स होते होंगे छोटे मोटे यहाँ पर। तो ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, इसके ऊपर और एक सीढ़ी गई है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे, तो ऊपर भी है स्टोर, तो ऊपर जाके देखते हैं। अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रीज है, ये एक ही नहीं है, देखो वहाँ पर भी 1-2-3-4 बहुत सारे। ग्राउंड फ्लोर देख लिया,
कवर्स है एंड फोन्स है बहुत सारे। आप ऊपर देखते क्या है, यहाँ पर आप एयरपोर्ट चेक कर सकते हो लाइक पेन के, खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। अर्नब ने एक्सपीरियंस किया, कैसा था भाई क्वालिटी? क्वालिटी इज लाइक ठीक ठाक, बिकॉज मैंने गेमिंग किया, गाना सुनता तब मुझे बेस पता लगता उसका एक्चुअली बेस, क्योंकि मैं बोट यूजर हूँ भाई, तो आईफोन से कंपैरिजन कहाँ करता। हाँ वही। ये भी अभी अभी तक बन नहीं हुआ भाई, ऐसी है ना ऐसी। अच्छा, इसका प्राइस भी 50-60 हज़ार रुपये। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ बोला 13 के साथ ये कहाँ से आ गया? ये एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी यार, देखो भाई अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ नीचे थे एंड अभी ऊपर है, यहाँ पर नीचे कुछ शायद से इवेंट चालू होने वाला है। तो ये है मॉल एंड ये है अपना एप्पल स्टोर, कनेक्टेड है मतलब इंटरलिंक्ड है ये पूरा दोनों। तो अभी हम लोग जस्ट एप्पल स्टोर से बाहर आए, फोन्स है एंड कवर्स है सब एप्पल के प्रोडक्ट ही पूरे एंड या पहला एप्पल स्टोर था इंडिया का, तो मज़ा बहुत आई। अच्छा एम्बियंस बहुत अच्छा है अंदर, इंडिया का पहला एप्पल स्टोर देख लिया, पूरा अमेरिकन जो है एम्बियंस है अंदर। ऐसा लगता नहीं कि आप इंडिया में हो, क्योंकि अंदर के स्टाफ जो है वो इंडियन नहीं है, पूरे मतलब मिक्स स्टाफ है, अमेरिकन स्टाफ है, पता है इंडियन स्टाफ है, पंजाबी है, कोई महाराष्ट्रन है, कोई रशियन है। वो इसलिए रखा है क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो कम्युनिकेट करने में, अगर कोई बाहर का आ रहा है। क्या बोलता है अभी घर पे चलेगी बैंड्रा बैंड स्टैंड क्या है, क्योंकि यहाँ से जो है बैंड स्टैंड बहुत बाजू में है, तो सोच रहे हैं बैंड स्टैंड जाने का। ये देखो ये एक्चुअली जो जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल है ना, बहुत टाइम के बाद आया हूँ मैं एंड थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया है अंदर। लिफ्ट लेके अब हम जा रहे हैं बेसमेंट में, क्योंकि गाड़ी हमारी नीचे खड़ी है। तो गाइस अभी कुनाली को भूख लगी तो हम जा रहे हैं कॉफी पीने के लिए। कुनाली बीच में कहाँ से आया? तो अभी प्लान बना है बैंड स्टैंड जाने का, क्योंकि सनसेट देख के निकलते फिर वहाँ से। तो अभी जैसे ही हम लोग शाहरुख खान के घर के पास पहुंचे ना, उतने में शाहरुख खान बाहर आए। वो एक्चुअली जो रोल्स रॉयस थी ना, उसमें शाहरुख खान ही थे, वो सिक्योरिटी ने बोला शाहरुख खान है, शाहरुख खान है। तो नसीब इतनी अच्छी थी, बट देखने नहीं मिला हम लोग को, क्योंकि कांच जो थे पूरे ब्लैकआउट थे, तो अंदर कुछ देखने नहीं मिला। जो है शाहरुख खान जो है वे VVIP में आते तो देखने नहीं मिला, लेकिन सामने से गई गाड़ी शाहरुख खान की और अंदर शाहरुख खान थे। हाँ पहुँच गए बैंड स्टैंड, वो एक्चुअल बैंड स्टैंड वहाँ आगे है, वहाँ नहीं गए हम लोग क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, बैंड्रा फोर्ट में भी रश बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कोई अलग जगह अर्नब ने ढूंढा है, तो यहाँ पर आके चिल करें, समुंदर का व्यू सामने। बैंड स्टैंड जो है बहुत टाइम के बाद में आया हूँ, फिर भी रश देखो, जो मेन मैंने क्या बोला, मेन बैंड स्टैंड में बहुत रश है, तो हम लोग थोड़ा आउटसाइड में है, हम लोग थोड़ा बोलते हैं ना आउट ऑफ क्राउड, क्राउड में नहीं है हम लोग, तो क्राउड में बहुत चिड़चिड़ होता है, तो मैंने सोचा यार कपल्स भी दिखते हैं ना, थोड़ा इरिटेट हो जाता है। हाँ भाई कपल्स का तो अलग ही सीन है, बैंड्रा फोर्ट उससे भी हार्ड। 5-10 मिनट हम लोग ने बैठा बैंड स्टैंड में बैठे थे, क्या बोलते जाना है घर पे, चलो घर चलते हैं अभी, चेंबूर जा रहे हैं। हमारे सामने है सलमान खान का घर, पहुंच गए फाइनली चेंबूर। 10-15 मिनट नहीं पर बहुत जल्दी पहुंच गए, जितना टाइम हमको कुर्ला स्टेशन से चेंबूर आने में लगता है उतने टाइम बस से या फिर कार से कुर्ला से चेंबूर आने लगता है उतने टाइम में हम लोग एक्टिवा से बैंड्रा से चेंबूर आ गए, बैंड्रा से चेंबूर उतने टाइम में आ गए, जितना टाइम हमको कुर्ला। तो ये फायदा है टू व्हीलर का, बाकी ये संडे भी कुछ प्लान करते हैं सुबह सुबह मरीन ड्राइव, सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, बाकी रील देगा कि नहीं, रील पे तो क्या सपोर्ट मिल रहा है यार, रील पे यार बहुत अच्छे इतने लाइक इतने कमेंट्स आ रहे, मजा आएगा ऐसे सपोर्ट करेगा तो फिर रील बनाने मजा आएगा, हम रील्स भी बनाएंगे अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएंगे, सपोर्ट करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो कैसे किस चीज के ऊपर किस बेसिस पे वीडियो, एंड एप्पल स्टोर था अच्छा है,
जाके दो और लेना है तो लो। भाई मॉल के अंदर अगर कोई सोच रहा ऑफर है तो इधर ऑफर नहीं कुछ भी है, ऑफर कुछ नहीं भाई, जो तुमको महंगा तो मिलेगा ही, इससे अच्छा चाहिए फ्लिपकार्ट पे ले लो। मैं प्रेफर करूंगा फ्लिपकार्ट पे, ऑफर भी मिलता है फ्लिपकार्ट पे, ऑफर मिलता है, उधर ऑफर नहीं मिलने वाला। बाकी संडे को मिलते, चल भाई, चल एक नंबर मजा आई लेकिन आज। ओके तो आ गया हूँ घर पे, एंड व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, एप्पल स्टोर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मेरे हिसाब से तो ठीक था, इंडिया का पहला एप्पल स्टोर था ये। डू फॉलो मी इंस्टाग्राम उजरगाजी 007, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस व्लॉग। आधे से ज्यादा टाइम तो ट्रैफिक में चले जाता है, लाइक बांद्रा से चेंबूर आने में पूरा दिन चले गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।